जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न पार्टियों के लोकसभा प्रत्याशियों के अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे बढ़ने लग गए हैं। आज भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी की सांझी प्रत्याशी स्वाति यादव ने चरखी दादरी शहर के साथ लगते गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से समर्थन मांगा। आज हमने दादरी के दौरे शुरू करे हैं। सुबह से हम तकरीबन 5 गांव जो है कवर कर चुके हैं। अभी हम बागवी में आए हैं और आप सामने देख सकते हैं कि लोग कैसे ढोल नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं और भारी संख्या में जहाँ पर भी जा रहे हैं महिलाएं जुड़ रही हैं, यूथ जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो है उसके जरिए भी बहुत सारे यूथ जुड़ रहे हैं, तो आशा रखती हूँ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। स्वाति यादव ने गांव में जनसमूह को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार का चुनाव लायक और नालायक के बीच का चुनाव है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सांसद ने तो पहले ही कह दिया था कि वे लोकसभा के लायक नहीं है, लेकिन आज फिर से लोकसभा चुनाव में खड़े हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता अपनी पार्टी का नाम ही सही से याद नहीं रख सकता, वो जनता के कार्यों को कैसे करवा पाएगा। इस चुनाव को आप एक जंग की तरह, आप एक लड़ाई की तरह देखेंगे। ये देखिए, ये एक सही और गलत के बीच में लड़ाई है, ये एक लायक और नालायक के बीच में लड़ाई है। हम नालायक को दो बार भुगत के देख चुके हैं। आज मेरे विपरीत जो प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो चौधरी धर्मवीर जी हैं बीजेपी के, चाहे वो श्रुति चौधरी जी हैं कांग्रेस की, हम दोनों को ही एक एक बार MP बनाकर, एक एक बार सांसद बनाकर देख चुके हैं। और आप मुझे एक वाक्य ऐसा बताइए जब वो हमारे मुद्दों को संसद में उठा रहे हो, वो जाते हैं संसद में और मौन व्रत धारण करने का काम करते हैं। देखिए, हमारी समस्याएं कहीं दूर नहीं जाएंगी जब तक हम ऐसे सांसदों को चुनते रहेंगे। मैं आपके सामने एक किस्सा रखती हूँ। देखिए, आप सब लोग शायद ये जानते होंगे कि जो अभी हमारे वर्तमान सांसद हैं चौधरी धर्मवीर जी, उनका खुद ये कहना था 1.5-2 साल पहले कि मैं लोकसभा के लायक नहीं हूँ, मैं लोकसभा के चुनाव में दोबारा खड़ा नहीं हूँ। ये कहना था कि नहीं था? और आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि आज दोबारा खड़े हैं लोकसभा के चुनाव में। और आज अपने काम के बलबूते नहीं, आज वो अपने जो है मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। तो उन्होंने प्रचार के दौरान ये कहा, आप कांग्रेस को भारी मतों से जिताओ। स्टेज पे जितने भी लोग बैठे थे सारे असल में पागल हो रहे थे कि हमने कैसे व्यक्ति को खड़ा किया जो अपनी पार्टी का नाम रख दिया। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, देखिए अगर ऐसे लोगों को नियुक्त करते रहेंगे जो जिन मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी पार्टी का अगर नाम याद नहीं रखते, तो ये बताओ कि क्या वो हमारा नाम याद रखेंगे? क्या उनको ये याद रहेगा कि हमारी समस्या क्या है? क्या उनको ये याद रहेगा कि हमारी समस्या को किस तरह से उठाना है संसद में? देखिए, थोड़ी बड़ी लड़ी की बात सुनने में, पर हम अनपढ़ों को खूब जिता जिता के देख चुके। स्वाति यादव ने किसानों की दोगुनी आय करने के सवाल पर कहा कि किसान की आय आज के दिन जीरो है और किसान की फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं कुछ चंद दिन पहले ही एक मंडी में गई थी और वहाँ पर किसान की आय जीरो थी, क्योंकि किसान ये कह रहे थे कि हम 5 दिन से अपनी सरसों लेकर खड़े हैं और कोई हमारी सरसों जो है खरीद नहीं रही है, तो आप 0x2 करेंगे तो वो जीरो ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ऐसी मैनिफेस्टो में ऐसे पॉइंट्स डालने चाहिए जिनकी कोई बेसिस हो, जिनका कोई लॉजिक हो। तो यही कहना चाहूँगी, देखिए हमने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स रखे हैं, किसान को लेके रखे हैं, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली तोला है। हमें पता है कि क्या मार्केट में बात चल रही है और उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने आगे अपनी बातें रखी। स्वाति यादव ने कांग्रेस की न्याय स्कीम पर कहा कि कांग्रेस के पास काफी समय था न्याय करने का, लेकिन आज चुनाव के समय वे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके पास समय था काम करने का, अगर वो न्याय ही करना चाहते हो, उनके पास बहुत समय था न्याय करने का। आज वो सिर्फ चुनाव के ऊपर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बहकावा दे रहे हैं। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एक झूठे सपने के पीछे भागने के बजाय आप अपने को चुनने का काम करिए। आप ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करने का काम करिए, चुनने का काम करिए जो आपकी आवाज बुलंदगी से उठा सके। जसपा प्रत्याशी स्वाति यादव को क्षेत्र के गांव में पहुंचने पर भारी मात्रा में ग्रामीणों का समर्थन मिला और ग्रामीणों ने स्वाति यादव का ढोल बजाकर स्वागत किया। जसपा प्रत्याशी स्वाति यादव को ग्रामीणों ने गांव के बाहर से ही खुली जीप और ट्रैक्टर पर बैठाकर गांव की चौपाल तक पहुंचाया और अपना समर्थन देने की बात कही। अब दुष्यंत का जोर है जी, यहाँ दुष्यंत चप्पल की वोट देनी है जी। आपका क्या कहना है जी? आपका चुनाव का प्रचार बहुत अच्छे से चल रहा है जी, और स्वाति यादव को हम भारी मतों से जिताएंगे जी। चप्पल की देंगे? हाँ, चप्पल उतार ले मारा, वोट उतार ले मारा सारा, चप्पल की देंगे? हाँ, चप्पल का जाओ। आपका क्या कहना है जी, कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है जी, बहन स्वाति भाई दुष्यंत जितानी। चुनाव का जी बढ़िया माहौल चल रहा है, जेजेपी का अपना गाँव में 50% वोट। दूसरी पार्टियों का क्या हालचाल है? दूसरी पार्टी का
वोटर तो है लेकिन इनका कुछ दबद हमारे गांव में तो ज्यादा है। इस अवसर पर जसपा प्रत्याशी स्वाति यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रिंपी फोगाट तथा चरखी दादरी से इनेलो विधायक राजदीप फोगाट ने भी जनता से जसपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। वहीं दूसरे संसदीय क्षेत्र से भी जसपा प्रत्याशी स्वाति यादव के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि स्वाति यादव पढ़ी लिखी है और महिलाओं व दूसरे लोगों के लिए कार्य करने की जो उनकी लालसा है उन्हें यहाँ खींच लाई है। यहाँ पे स्वाति यादव को सपोर्ट करने आई हूँ। क्या कारण है जो आप इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि उनमें ये काबिलियत है कि वो इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ रह के ज़रूर आवाज़ उठाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पे। आपका क्या कहना है, आप भी काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँची हैं, क्या चीज़ ऐसी थी जो स्वाति यादव की जो आपको यहाँ तक खींच? उनकी एक नई सोच है जो हम सब में चाहिए, तो उस वजह से हम उनको सपोर्ट करने के लिए इतने दूर से आए हुए हैं।